जब भी हम कोई साउथ इंडियन रेसिपी बनाते हैं तो उसके साथ में अक्सर मूंगफली की चटनी जरूर बनाते हैं। तो आज इस मूंगफली की चटनी को देते हैं ट्विस्ट और बनाते हैं एकदम नए अंदाज में। खाने में इतनी ज्यादा टेस्टी और लाजवाब लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो ये जो चटनी है ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चटनी को बनाकर ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज की ये जो मूंगफली की चटनी है ये किस तरह से बनाई जाती है। तो मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले एक कच्चा आम ले लिया है। तो मतलब जो टमाटर होते हैं नॉर्मल साइज की उतने ही बड़े साइज का मैंने कच्चा आम ले लिया है, लेकिन मेरे पास जो कच्चा आम है ये हल्का सा पीला हो गया है, लेकिन इससे चटनी के टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चटनी तो टेस्टी ही बन के तैयार होगी। आम को छीलने के बाद में आम को हम थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। वैसे हमें ये जो कच्चा आम है इसे पीसना है, तो आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इनको थोड़े छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। अब हम कटे हुए आम को साइड में रख देंगे। इसके बाद में कढ़ाई में लगभग आधा कप जितनी मूंगफली के दाने को कच्चापन खत्म होने तक और हल्का सा ब्राउन कलर आने तक, मतलब ब्राउन स्पॉट्स आने तक लो मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। ध्यान रखें कि धीमी आंच पर सेकना है, क्योंकि अगर धीमी आंच पर सेकेंगे तो मूंगफली के दाने अच्छे से सिक जाएंगे। मूंगफली के दाने यहाँ पर सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, इसके बाद में इनका छिलका उतार देंगे। वैसे आप चाहें तो ये चटनी मतलब मूंगफली के दाने का छिलका उतारे बिना भी बना सकते हैं, मतलब छिलके सहित मूंगफली के दाने से ये चटनी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में बड़ा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें छिली हुई मूंगफली ऐड कर देंगे, साथ ही आधे इंच जितना छिला हुआ अदरक का टुकड़ा, एक लहसुन की कली, बड़ी साइज की है इसलिए मैंने एक ऐड की, आप चाहें तो दो से तीन भी ऐड कर सकते हैं। तीन हरी मिर्च ऐड कर दी है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दें जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। कटा हुआ आम और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसके बाद में नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार और आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड कर दिया। इसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग एक चौथाई कप, और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया। वैसे आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो शुरुआत में हम कम पानी ऐड करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बढ़िया से पीस के तैयार कर लिया है। अब हमें जैसी चटनी की कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लगभग आधे कप जितना पानी और ऐड किया है। दोबारा से इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बढ़िया से चटनी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस तैयार पेस्ट को किसी भी एक थोड़े बड़े साइज के बॉल में निकाल लेंगे। इसके बाद में हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने तड़का पैन में दो चम्मच कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच काली सरसों के दाने, दो से तीन सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड कर देंगे, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग ऐड करेंगे और इसी के साथ में हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे और इसके बाद में हम चटनी के पेस्ट के ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी आम और मूंगफली के दाने की चटनी बनकर तैयार है। और ये चटनी ना इडली, डोसा, उत्तपम, अपम, पकौड़े, शकौड़े सबके साथ में बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इस चटनी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।